चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। तो अभी हम बात करेंगे जो हम लोग बाइक में इंजन ऑयल डलवाते हैं उस इंजन ऑयल के डब्बी पे एक QR मेरे पास देखिए वेल्वो लाइन कंपनी का इंजन ऑयल है और यहाँ पे देखिए सभी इंजन ऑयल के डब्बी पे यहाँ पे एक एक QR कोड लगा है। इस QR कोड को हम कैसे स्कैन करके पता करें कि बाइक का इंजन ऑयल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि मुझे काफ़ी मेल आया है, काफ़ी कमेंट आ रहा है कि भैया वेल्वो लाइन का इंजन ऑयल जो आप बाइक में यूज कर रहे हैं उसका ओरिजिनल इंजन ऑयल है या फिर डुप्लीकेट है, इस QR कोड को हम कैसे स्कैन करें, क्योंकि सभी इंजन ऑयल के डब्बी पर रहता है। तो आप लोगों को टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, आपका टोटल डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अभी तक हमारे इस YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजूर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका। तीन ठो इंजन ऑयल का डब्बी है। एक चीज़ और आपको हम डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं, वेल्वो लाइन इंजन ऑयल के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं और काफ़ी मुझे इंस्टाग्राम पे और मेल पे भी मुझे मैसेज आया कि भैया आप वेल्वो लाइन का जो इंजन ऑयल जो आपके चैनल पे काफ़ी वीडियो है, भाई वास्तव में वेल्वो लाइन का इंजन ऑयल का जो काफ़ी मेरे चैनल पे वीडियो है, कैस्ट्रोल का वीडियो है, बजाज का वीडियो है, हीरो का है, लेकिन वेल्वो लाइन का कुछ ज़्यादा ही वीडियो है। तो मुझे काफ़ी भाई लोग मैसेज किए थे ईमेल पे और इंस्टा पे कि भैया आप वेल्वो लाइन का जो कंपनी है उनसे आप पैसा लिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी कंपनी से पैसा नहीं लिए हैं, क्योंकि देखिए हम वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो मैकेनिक भाई लोग हैं या फिर जो कस्टमर क्लाइंट है उनको काफ़ी हेल्पफुल मिले। और देखिए वीडियो हम जो बनाते हैं बिल्कुल देसी तरीका ने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वीडियो बनाते हैं। पहले तो आपको डॉट क्लियर कर दे कि हम किसी भी कंपनी से एडवर्टाइज के लिए पैसा नहीं लिए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस अनुभव से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं वेल्वो लाइन कंपनी से हम पैसा लिया, नहीं कैस्ट्रोल से लिए, नहीं हीरो से लेते हैं, नहीं बाजार से, ना TVS। कोई भी कंपनी जो बोलेगा कि हम पैसा दे करके इनको वीडियो शूट करवा रहे हैं इंजन ऑयल को, तो ऐसा नहीं है, किसी भी कंपनी से हम पैसा नहीं लिया है। ये डॉट आप लोग मन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट का पैसा लेकर रिव्यू किया है इंजन ऑयल का, तो ऐसा नहीं है। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी कस्टमर क्लाइंट के मन में डाउट न रहे, आपके दोस्त लोग के मन में डाउट न रहे। इंजन ऑयल के ऊपर में एक QR कोड लगाया था, सबसे पहले हम इस QR कोड पर बात करें, क्योंकि देखिए एक लीटर पर यहाँ पर ये एक लीटर प्लेन है चैम्प 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी की जगह बात कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 40 प्रीमियम यानी कि पावर प्लस है, सिंथेटिक इंजन ऑयल है और ये सीमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे अभी QR कोड पे, क्योंकि देखिए प्लेन में भी QR कोड है, पावर में भी QR कोड है, तो अभी इसको हम लोग QR कोड को कैसे स्कैन करके पता करेंगे। तो देखिए सबसे इसका सिंपल सी बात है कि डब्बी के ऊपर जो QR कोड लगा है ये गूगल के लिए नहीं लगा है, गूगल स्कैनर से कोई भी ऐप से हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अब एक वेल्वो लाइन ही इंजन ऑयल ऐसा कंपनी है जिसका अभी तक जो मेरे अनुभव है एक्सपीरियंस है कि इसका डी नहीं हम देखे हैं मार्केट में, न कि कैस्ट्रोल का, हीरो का, बजाज का, TVS का, यामाहा तक का हम डुप्लीकेट इंजन ऑयल मार्केट में देखे हैं। हमने इंजन ऑयल पे काफ़ी ऑलरेडी वीडियो भी बना रखे, डुप्लीकेट को आप लोग पहचाने कैसे। QR कोड को लेकर आप लोग को मन में कोई डाउट है कि गूगल से स्कैन करके पता चल जाएगा, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा गूगल से QR कोड के लिए, ये गूगल के लिए नहीं बना है। बहुत ऐसे QR कोड है जो गूगल से स्कैन करने पे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि देखिए गूगल पे आपको QR कोड बना करके भी डाल दिया जाता है, उससे स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे QR कोड गूगल के लिए वैलिड नहीं है। तो वेल्वो लाइन का जो कस्टमर केयर है उनसे बात किए थे और अपने डीलर से भी बात किए, जहाँ से हम लोग माल लेते हैं उनसे भी बात किए थे, टीम से बात किए, बोला कि ये गूगल के लिए QR कोड वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं कि गूगल से स्कैन नहीं हुआ तो इंजन डुप्लीकेट है, तो ऐसा नहीं है, गूगल के लिए वेल्वो लाइन का QR कोड वैलिड नहीं है। क्या आप लोग इसका सजेस्ट करना चाहते हैं कि वेल्वो लाइन का जो QR कोड लगाए गूगल के लिए वैलिड होना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट से जाइए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में बताइए एस या नो में जवाब देना है। वैलिड होना चाहिए तो एस कीजिएगा, अगर वैलिड नहीं करना चाहिए कंपनी को तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सवेरे हम टीम को एक डब्बी का इंजन ऑयल का फोटो भेजे थे, QR कोड का फोटो खींच करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किए थे, वहाँ से मुझे एक आया है कि देखिए यहाँ पर शायद आपको बगल में भी दिख जाएगा, जो QR कोड को स्कैन करके भेजा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, यानी कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, उसका यहाँ पे नाम लिखा है विशाल ऑटोमोबाइल्स, और यहाँ पे देख रहा है विशाल ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद यहाँ पे इंजन ऑयल को QR कोड को जो स्कैन किया है उसका फुल डिटेल यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, इनसे आप पता लगा सकते कहीं से भी ये इंजन ऑयल डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कैनर का वैलिड है वो डीलर के पास ही अथॉरिटी है, डीलर स्कैन करके आपको प्रॉपर बतला देगा अगर डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो आपको मन में डाउट आ रहा है तो आप जहाँ से इंजन लेते हैं वहाँ नज़दीकी कोई ना कोई डीलर होगा तो उनसे आप बात करके इस QR कोड को आप स्कैन करवा करके पता लगा सकते हैं ओरिजिनल इंजन है या फिर डुप्लीकेट है, और सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ के दिया गया है।
और ऊपर में आप देख रहे हैं इंजन ऑयल का पार्ट नंबर लिखा है, कब पैकिंग हुआ है, टोटल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कोई भी मन में डाउट नहीं है। का जहाँ तक झमेला रहेगा तो क्यूआर कोड आपको डीलर से ही स्कैन करके पता करना पड़ेगा, आप खुद से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल झमेला बता दिया है। अगर गूगल वैलिड दे देगा तो कहीं से भी इंजन ऑयल का स्कैम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस वैल्यूबल एंड इंजन ऑयल का हम डी मार्केट में नहीं देखा। क्या आप लोग देखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। एक डॉट हम और क्लियर कर देना, गलत कमेंट नहीं कीजिएगा।